हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आज हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स नाउ व्हाट इज अ ट्रायंगल अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो कि थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनी होती है इट हैज सिक्स एलिमेंट्स थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टसिस इसमें टोटल सिक्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि थ्री साइड्स और थ्री वर्टिस मीन्स थ्री कॉर्नर्स हैं इन द गिवन फिगर यू कैन सी दैट थ्री साइड्स आर पी क्यू क्यू आर एंड आर पी तो इसमें तीन साइडें हैं जिनका नाम पी क्यू क्यू आर और आर पी है थ्री वर्टसिज मीन्स कॉर्नर्स पी क्यू आर हैं थ्री एंगल्स एंगल पी क्यू आर जो कि येलो पार्ट है एंगल क्यू आर पी जो कि ऑरेंज पार्ट है और एंगल आर पी क्यू जो कि ब्लू पार्ट है नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल ये रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिए हैं फर्स्ट एग्जांपल है चिप्स सेकंड है ट्रैफिक सिग्नल्स तो चिप्स और ट्रैफिक सिग्नल्स दोनों ही ट्राइंगल शेप में देखने को मिल जाते हैं थर्ड पामिड पारामिड का जो फ्रंट व्यू है वो एक ट्रायंगल की शेप में है याच याच में भी आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर फ्लैक्स बने हुए हैं रोफ रूफ और सैंडविचेस इन सभी की शेप जो है वो ट्रायंगुलर है तो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स अलग अलग डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स ये थ्री टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स ये थ्री टाइप्स के होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू साइड्स तो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल इट हैज़ थ्री इक्वल साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलिस ट्राएंगल होगा और अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है तब वो स्केलिन ट्राइंगल होगा नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट ट्राएंगल तब होगा जब उसके सारे एंगल एक्यूट होंगे मीन्स नाइन्टी डिग्री से कम होंगे राइट right ट्राइंगल तब होगा जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा मीन्स राइट एंगल होगा और ऑप्टूस ट्राएंगल तब होगा जब उसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तब उसे ऑप्टूज एंगल ट्राएंगल कहा जाएगा ना यू कैन सी दैट देयर वी हैव डिस्कस टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राएंगल्स जिसमें थ्री अकॉर्डिंग टू साइड्स हैं और थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल्स हैं नाउ इट इज़ ईजियर

अगर एक से ज़्यादा ऑप्टिज़ एंगल उसके अंदर होगा तो उसका सम जो है वन 180 से ज़्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है सो नाउ इट इज़ सेकेंड सेकेंड फैक्ट अ ट्राएंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल तो कभी भी किसी ट्रा में एक से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता अगर एक से ज़्यादा राइट एंगल होगा तो उसका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है so in both facts you can see that a triangle cannot have more than one obtuse angle or one right, triangle, right angle now this is third fact side opposite to the greatest angle is longest side opposite to the smallest angle is shortest तो जो साइड ट्राइंगल की सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटी साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होगा तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस साइड की लेंथ ज़्यादा है उसके अपोजिट एंगल ज़्यादा होगा और जिस साइड की लेंथ कम है तो उसका अपोजिट एंगल कम होगा ऐसी सेम फोर्थ फैक्ट जो है वो ये बता रहा है कि जो एंगल होगा जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट है वो ग्रेटर होगा और जो इस्मॉलेट साइड के अपोजिट है वो एंगल स्मॉलर होगा सेम जैसा थर्ड फैक्ट में बताया है कि जो जब आ, कोई एंगल जो है जो ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड ज़्यादा होगी और अगर एंगल कम है तो उसके अपोजिट साइड कम होगी ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है कि सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ ट्रैंगल इज़ 180 डिग्री ट्रायंगल अगर बनेगा तो उसके तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री ही होगा ना इससे एक कम होगा ना इससे एक ज़्यादा होगा एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा इसके बाद सिक्स पॉइंट है कि तीन साइडें होती हैं ट्राएंगल में तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड अगर हम कोई भी दो साइड को प्लस करें तो वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा और अगर दो साइड का डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा थर्ड साइड से कम आएगा तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड नाउ ये सेवन फैक्ट है अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगनल्स ट्राइंगल के अंदर कोई भी डायगनल हम नहीं बना सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ डाइग्नल इन अ ट्राएंगल नाउ अब कुछ फार्मूलाज भी हैं इनकी बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब है कि अगर हम तीनों साइड्स को प्लस कर दें तो उसका पेरीमीटर हमें मिल जाएगा तो अगर किसी भी ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो उनको हम प्लस करेंगे नाइन्थ फैक्ट ये है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इस थ्री इंटू साइड तो अगर पेरीमीटर इक्वलीटरल ट्राइंगल का निकालना है तो फार्मूला होगा थ्री इंटू साइड और पैरीमीटर आइसोसेलिस ट्राएंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको निकालना है तो फार्मूला है टू इंटू इक्ल साइड प्लस बेस नाउ दिस इज़ एलेवंथ फैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अगर किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट दे रखी है तो उसका जो फार्मूला होगा एरिया निकालने का वो, वो वन अपॉइंट टू बेस इंटू हाइट होगा ऐसे ही ट्वेल्थ में अगर आइसोसेलिस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला है वन अपॉन फोर बी अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे बी बेस है और इक्वल साइड्स की लेंथ है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका फार्मूला होगा रूट थ्री अपॉन फोर साइड साइड स्क्वायर तो रूट थ्री अपॉन फोर की जब हम साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें एरिया ऑफ इक्ुलेटर ट्रायंगल मिल जाएगा नाउ दिस इज़ फोटीन फैक्ट और इस फॉर्मूले को हिरोस फार्मूला भी कहते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर है ए बी सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड साइड्स हैं एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है और इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू है ना यू कैन लाइक शेयर एंड कमेंट एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर सो यू कैन शेयर विद मी Thank you, have a nice day.